हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम यूनिट 3 का आउटबाउंड कॉल्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टेलीफोन एटिकेट्स। सो टेलीफोन एटिकेट्स का मतलब क्या है कि जब भी CSR कस्टमर से बात करता है टेलीफोन पे, तो उसे कौन कौन से मैनर्स होने चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। टेक द कॉल एज सून एज यू हियर द बीप। जैसे ही बीप सुने आपको कॉल अटेंड करना है। डू नॉट कीप द कॉलर वेटिंग। कॉलर को या कस्टमर को कभी भी वेट नहीं कराना है। अगर कस्टमर डिसकनेक्ट कर देगा आपकी लेने से पहले, तो इसे अपडमन कॉल मान जाएगी। अपडमन कॉल मतलब कि रिजेक्ट हो गई है कॉल आपके अटेंड करने से पहले। तो ओपन द कॉल बाय ग्रीटिंग द कस्टमर। सबसे पहले जब भी आप कॉल अटेंड कर रहे हो कस्टमर के साथ, उसको ग्रीट करो, अपने आप को आइडेंटिफाई करो, अपना नेम, कंपनी का नेम और डिपार्टमेंट का नेम बताओ। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग डू वेल पब्लिकेशन, दिस इज़ असान्या फ्रॉम कस्टमर सर्विस, हाउ मे आई हेल्प यू। इस तरह से आपको ग्रीट करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और अपने आप के बारे में बताना है। बिहेवियर वाइल ऑन ए कॉल। आपका बिहेवियर कैसा होने चाहिए जब भी आप कॉल पे रहते हैं। ओपन द कॉल बाय ग्रीटिंग द कस्टमर। सबसे पहले ये चीज़ आपको पहले भी बताई है कि ओपन जब करते हो कॉल को, अटेंड करते हो, पिक करते हो, सबसे पहले आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, इंट्रोड्यूस करना है अपनी कंपनी को, अपने डिपार्टमेंट को। ऑलवेज टेक परमिशन फ्रॉम कस्टमर बिफोर पुटिंग हिम और ऑन होल्ड। और हमेशा उन जब भी अगर आप कस्टमर को होल्ड पे रख रहे हैं किसी भी इंफॉर्मेशन की बारे में बताने के लिए, तो उनसे पहले परमिशन लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, अबाउट द डिस्काउंट्स, वेल सर आई नीड टू चेक विद माई सुपरवाइज़र, मे आई पुट यू ऑन होल्ड फॉर अ मिनट वाइल चेक, थैंक यू सर। ठीक है, तो उसे पूछ रहा है कि आपको अगर डिस्काउंट्स के बारे में और नॉलेज चाहिए तो मैं आपको एक बारी होल्ड पे रख के अपने सुपरवाइज़र से पूछ के बताता हूँ। तो इफ़ यू नीड टू पुट द कस्टमर ऑन होल्ड फॉर लॉन्गर, कम बैक ऑनलाइन टू इन्फॉर्म हिम और हर अबाउट इट, नेवर लिव डेट एयर। मतलब अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए उसको रखना है होल्ड पे, तो उसको दोबारा से कन्फर्म करो कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको कन्फर्म करने में। ये नहीं है कि बस आपने होल्ड पे रख दिया उसके बाद उसको आंसर ही नहीं दिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा है इसमें, सर आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग, माय सुपरवाइजर इज़ चेकिंग, ही इज़ लाइकली टू टेक अनदर मिनट, आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे ऑनलाइन, थैंक यू सर। तो इस तरह से उसने उसको बता दिया कि उसको भी थोड़ा और टाइम लगेगा तो वेट करने के लिए। इफ़ यू मस्ट स्नीज, कफ और डू समथिंग दैट यू वुड नॉट वॉन्ट योर कस्टमर टू हियर, यूज़ द म्यूट बटन टू डू सो। मान लो आप कस्टमर से बात कर रहे हो, आपको उस टाइम कफ हो रही है या स्नीज हो रही है, ठीक है, या हिकअप आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे नेचुरल प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको उस टाइम पे अपना जो माइक है उसको म्यूट पे रखना है। बिफोर क्लोजिंग द कॉल, थैंक द कस्टमर, लेट द कॉलर हैंग अप फर्स्ट। सबसे पहले कस्टमर से बात डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको क्लोज करना है और थैंक यू बोलना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे, श्योर सर, एनी टाइम, थैंक यू फॉर कॉलिंग कस्टमर सर्विस, हैव ए नाइस डे सर। तो इस तरह से आपको उसको ग्रीट करना है, थैंक यू करना है जब भी आप कॉल को ड्रॉप कर रहे हो। डोंट्स ऑफ टेलीफोन एटिकेट। डोंट्स का मतलब क्या होता है कि जो बातें आपको टेलीफोन पे नहीं करनी है कस्टमर के साथ बात करने के टाइम, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, आउटबाउंड कॉल्स के टाइम या इनबाउंड कॉल्स के टाइम, डू नॉट लीव द फोन अनआंसर्ड। कभी भी फ़ोन को अनआंसर्ड करके छोड़ना नहीं है। देर इज़ अ डेंजर ऑफ लूजिंग द कॉल। इससे क्या होगा, कॉल डिस्कनेक्ट होने का डर रहेगा। डू नॉट ईट, ड्रिंक और च्यू व्हेन ऑन द कॉल। कभी भी कॉल पे बात करते हुए आपको पीना नहीं है, खाना नहीं है, च्यूइंग नहीं करना कुछ। डू नॉट शाउट और लाफ, शाउट नहीं करना, लाफ नहीं करना, ठीक है, जब भी आप फ़ोन पे हो कस्टमर के साथ। डू नॉट हरी, जल्दी नहीं करनी है कॉल को फिनिश करने के लिए। डू नॉट ब्रीथ हैविली ओवर द माउथ पीस एज द माइक्रोफोन पिक्स अप इवन द स्लाइटेस्ट साउंड्स ऑफ योर हैवी ब्रीदिंग। मतलब बिल्कुल माइक के पास आपको हैवी ब्रीदिंग नहीं करनी है। डू नॉट यूज़ टेक्निकल जार्गन्स और स्लैंग्स। टेक्निकल जार्गन्स और स्लैंग्स यूज़ नहीं करने हैं, ताकि कस्टमर को उन्हीं की लैंग्वेज में समझाओ। ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो डू नॉट आर्ग्यू विद कस्टमर। आर्ग्यू नहीं करना आपको कस्टमर के साथ। अगर आप वे रॉन्ग हैं तो भी उनको ध्यान से, अच्छे से बताओ, करेक्ट टोन से बताओ। डू नॉट एवर लूज़ योर टेम्पर। कभी भी गुस्से में नहीं आना। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आपको हैंडल करना है, अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना है। डू नॉट गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर। कभी भी कस्टमर को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। डू नॉट डिस्कस पर्सनल मैटर। पर्सनल मैटर पे भी आपको कभी डिस्कस नहीं करना है उनसे। ये तो थे कि डोंट्स, कि जो आपको कॉल करने के टाइम ये चीज़ नहीं करनी है। आगे है डूज़। डूज़ मतलब कौन सी आपको एटिकेट्स ध्यान रखने चाहिए।
ऑलवेज आस्क द कस्टमर बिफोर पुटिंग देम ऑन होल्ड, हमेशा होल्ड में जाने से पहले कस्टमर से पूछो. यूज़ म्यूट बटन, अगर आपको कफ या स्नीज हो रहा है तो म्यूट बटन का यूज़ करो. लिसन केयरफुली टू व्हाट द कस्टमर इज सेइंग, इंटरप्ट नहीं करना कस्टमर को, अच्छे से सुनना है. स्पीक क्लियरली एंड स्लोली विदाउट रशिंग, क्लियर और स्लो बोलो बिना जल्दी किए ताकि कस्टमर को अच्छे से समझ आए. बी पेशेंट, पेशेंस रखो, पोलाइटली बोलो. डू नॉट फोर्सफुल और अग्रेसिव वाइल मेकिंग आउटबाउंड कॉल्स, जब भी आप आउटबाउंड कॉल्स लगा रहे हो मतलब कि कस्टमर को कॉल कर रहे हो तो आपको फोर्सफुली या अग्रेसिवली बात नहीं करनी है, ठीक है. जैसे द फर्स्ट कॉल क्या है, मिसेस शर्मा है, जैसे दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, आई डू नीड वन राइट नाउ, कैन यू कॉल मी इन द इवनिंग एट 6 o'clock प्लीज़. श्रुति है जो वो CSR है, वो बोल रही है श्योर मैम, आई विल यू एग्जैक्टली कॉल यू एग्जैक्टली एट 6 o'clock इन द इवनिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू ए वंडरफुल ऑफर टूडे. तो इसमें क्या हुआ, देखो श्रुति ने एक करेक्ट मूव लिया, उसने क्या किया, कस्टमर से पूछा कि आप इंटरेस्टेड हैं अभी बात करने के लिए. सो लेट अस लुक एट द टेक्निक्स यूज बाय श्रुति. श्रुति ने देखो क्या टेक्निक्स यूज़ करी. सबसे पहले श्रुति ने बोला गुड मॉर्निंग मिसेस शर्मा, ग्रीट किया उसको. वेन एवर पॉसिबल बिगिन बाय टेकिंग द कस्टमर्स नेम, इट मेक्स द कस्टमर फील स्पेशल. जब भी आप कॉल को स्टार्ट करते हो उसको विश करने के बाद उसका नेम जरूर लो, जिससे क्या होगा उसको स्पेशल फील होगा. इज दिस ए गुड टाइम टू टॉक, फिर उससे पूछो कस्टमर से कि आपसे बात करने का सही समय है. उसके नेक्स्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू एज यू हैव वॉन ए ग्रेट ऑफर, अ ह्यूज 25% डिस्काउंट. उसके बाद उनका इंटरेस्ट जनरेट करो, उनको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन दो जिससे उनका इंटरेस्ट हो. लीव द कस्टमर विद समथिंग टू थिंक अबाउट, कस्टमर को सोचने दो और उसके बारे में जानने दो कि क्या किस चीज़ के लिए आपने उनको कॉल किया है. इफ़ यू हैव मैंशनड ए डिस्काउंट देन द कस्टमर शुड थिंक अबाउट, अगर आपने मान लो कोई डिस्काउंट को मैंशन किया है तो आपको कस्टमर को उसको सोचने का मौका दो. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड लुक फॉरवर्ड टू ए वंडरफुल ऑफर टूडे. उसके बाद थैंक यू करो और उनको बोलो कि आगे भी आपको ऐसे ऐसे ऑफर देते रहेंगे. तो थैंक यू करने के बाद वेन एवर द आउटकम ऑफ द कॉल्स, फिर आपको पता लगेगा कि कैसे आउटकम्स आती हैं. देखो इसमें जो भी है मिसेस CSR है जो श्रुति, उसने क्या क्या फॉलो किया, उसने सेल्स कॉल्स को जनरेट किया, जनरेट लीड्स फॉलोअप किया, डेबिट कलेक्शन कॉल्स को फॉलो किया, ठीक है, अपॉइंटमेंट बुकिंग, क्रॉस सेलिंग, कस्टमर सर्विसेज, सर्वे एंड मार्केटिंग, ये सारी आउटबाउंड कॉल्स में आती हैं. तो ये टाइप ऑफ कॉल्स हैं जो आउटबाउंड कॉल्स में आती हैं, जो श्रुति है या कोई भी CSR है इन सबको फॉलो करता है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटीज़ टू बी डेवलप्ड टू मेक ए टेली सेल कॉल. जब आप टेली सेल कॉल करते हैं, टेली सेल कॉल में क्या होता है, जब आपको कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए या प्रोडक्ट की ऐड करने के लिए आपको कॉल करनी पड़ती है कस्टमर को, उसे हम टेली सेल कॉल बोल देते हैं. तो आपको कौन सी क्वालिटीज़ रखनी चाहिए, एबिलिटी टू कट आइस, मतलब कि आपको ऐसी चीज़ें करनी हैं जिससे कस्टमर का इंटरेस्ट हो और वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे. पोलाइटनेस रखनी है. सो विद योर फर्स्ट कॉल यू मस्ट डेवलप द स्किल टू कट आइस विद कस्टमर एंड बी पोलाइट टू ऑल टाइम्स. ऑलवेज ट्राई टू साउंड वार्म एंड फ्रेंडली, पॉजिटिव, प्रोफेशनल, हेल्पफुल और पोलाइट एंड कर्टियस. द फॉलो अप कॉल, सबसे पहले हम फॉलो अप कॉल देखते हैं कैसी कॉल होगी. आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो अप विद योर कस्टमर. मी कीप रिमाइंडिंग द कस्टमर अबाउट योर ऑफर और प्रोडक्ट और सर्विस. आपको कस्टमर को फॉलो करना है, कस्टमर को बताते रहना है, रिमाइंड कराते रहना है कि आपके प्रोडक्ट की क्या ऑफर हैं, क्या सर्विसेज हैं. जैसे आप इसमें एक फॉलो अप देखते हैं कॉल का, इसमें श्रुति CSR है और मिसेस शर्मा एक कस्टमर है. श्रुति उनको कॉल करती हैं, गुड इवनिंग मैम, दिस इज़ श्रुति अगेन फ्रॉम स्टार इलेक्ट्रो, आई होप यू आर फ्री टू टॉक नाउ. हाय श्रुति, टेल मी व्हाट इज़ द ऑफर. मिसेस शर्मा उसको जानती है, उसने पहले भी अच्छे से उसको हैंडल किया था, तो उसने मिसेस शर्मा ने उसको अच्छे से अटेंड किया और श्रुति ने फिर उसको बताया, यस मैम, कंपनी इज सेलिब्रेटिंग इट्स 25th एनिवर्सरी बाय गिविंग आर स्पेशल कस्टमर सम ग्रेट ऑफर्स ऑन वॉशिंग मशीन्स. इफ़ यू कैन कम टू आर शोरूम वी कैन शो यू द मॉडल्स ऑन विच ऑफर्स आर अवेलेबल. तो उसने बताया कि हमारी कंपनी की 25th एनिवर्सरी है तो कुछ ऑफर्स हैं. तो मिसेस शर्मा बोल रही है, आई एम नॉट श्योर इफ़ आई शुड गेट ए न्यू मशीन्स नाउ, आई ऑलरेडी हैव ए सेमी ऑटोमेटिक, इजी ए विद ए हाउस वर्क.
ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कैरी करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.